शुरू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स। इस समय देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से मजदूर और शोषित वर्ग बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। तो ऐसे ही जयपुर के जैन समाज और मेकल डिफरेंस सोसाइटी कुछ कार्यकर्ता हैं, जो आज बहाव में राशन का वितरण कर रहे हैं। ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। जय जिनेंद्र, मैं जयपुर कला दिगंबर जैन समाज की तरफ से यहाँ आया हूँ, और जो असहाय गरीब लोग हैं उनमें कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उनको भरपूर मदद की कर सके। मुझे सहयोग मिल रहा है मेक ए डिफरेंस सोसाइटी जयपुर से, जो परिवार चयनित करते हैं और हम उन्हें कोशिश करते हैं कि उन तक राशन सामग्री पहुँचाए। तो आज आप राशन का वितरण कर रहे हैं? जी, हम यहाँ राशन वितरण करने ही आए। आप पात्र परिवारों का चयन किस प्रकार करते हैं? चयन मेक ए डिफरेंस सोसाइटी की टीम करती है। ये सुबह निकलते हैं, पहले सर्वे करते हैं, जो लोग वाकई में पात्रता है इनकी उन लोगों का ये चयन करके हमें देते हैं और हम इनको साथ लेके फिर राशन देते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशुतोष जैन है और मैं मेक ए डिफरेंस सोसाइटी में एक सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। और हम लोग जो हैं करीबन 1-1.5 साल से लगातार इस सोसाइटी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक जो व्यवस्थाएँ हैं उनके बीच में हम लोग काम करते हैं। और जैसे राष्ट्रीय आपदाएं जैसे हमारे क्षेत्र में आए, जैसे बाढ़ पीड़ित है या जब अभी कोरोना का चल रहा है, इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अभी शुरुआत में हम लोगों ने करीबन 15 दिन करीबन 10,000 खाने के पैकेट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और अभी हम लोग अब राशन वितरण का जो प्रक्रिया है उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि भोजन के अलावा अगर लोगों को 15 से 20 दिन का राशन दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए राशन पर काम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारा जैन समाज जो जयपुर कला है वो हमारा पूर्ण सहयोग कर रहा है। और इसके अलावा हमारे पास जो कुछ हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं और हम लगातार राशन वितरण कर रहे हैं। आज भी हम वहाँ पर करीबन 10 परिवारों को राशन वितरण करने आए हैं, क्योंकि जिनको हमने चिन्हित किया था। और चिन्हित करने की जो प्रक्रिया है हमारी रहती है, उसमें हम ज़्यादातर उन्हीं परिवारों को चिन्हित करते हैं जो या तो विधवा हैं, बेबस हैं, या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, सरकार से कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। इस तरह के परिवारों को हम पहले चिन्हित करते हैं। हालांकि कोशिश हमारी ये रहती है कि उनके हम राशन कार्ड बनवाएं। सरकार से हम बराबर मदद के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो हमें राशन कार्ड बनाने में सहयोग प्रदान करें, जिससे हम जो ज़रूरतमंद हैं उनके राशन कार्ड, विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन जो है वो हम बनवा सकें, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। अब तक सर कितने परिवारों को आप राशन दे सके? करीबन सोसाइटी अभी तक करीबन 87 परिवारों को राशन दे चुकी है। और जैसा कि हम लोगों ने करीबन जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो पहले तो भोजन वितरण किया, उसके बाद हम लोगों ने करीबन 100 परिवारों को, पहले हमने संकल्प लिया कि 100 परिवारों को हम गोद लेंगे, जिसमें हम उन्हें जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक उन्हें बराबर राशन पहुँचा रहे हैं। तो 100 परिवारों की जो सीमा है वहाँ तक हम पहुँचने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम आगे भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 100 परिवारों को रुक जाएंगे, 100 परिवार हमारे पहले चयनित हैं, उसके बाद फिर हम आगे काम करेंगे। नाम क्या है आपका? रीना। हस्बैंड का नाम क्या है आपके? पति पत्नी, दो बच्चे हैं, 4 लोग हैं। कौन सा करते हैं? दिया जा रहा है, ठीक है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोगों की पसंद है। हम लोग जयपुर में करीबन 100 परिवारों को राशन बांट चुके हैं, तो हमें जैसे सर ने बताया तो हमने कहा चलो आते हैं, ठीक है। क्या कितने आपके? एक। क्या करता है लड़का आपका? पानी कम भी चला रहा। अच्छा, अबे तो बंदा ही था कजू बहु वगैरह है लड़का की? ये कम से कम 15 दिन का राशन है आपका, 15 से 20 दिन का है। 10 किलो आटा है, दाल है 1 किलो, चावल है, पत्ती है, आलू, प्याज सब कुछ है, ठीक है। कम से कम 15 से 20 दिन की व्यवस्था है आपकी, और राशन कार्ड बनना है आपका।
आधार कार्ड बनवा लो। ठीक है, और कोई परेशानी? नाम क्या है आपके वैसे अम्मा? गुड्डी नाम। आगे कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, सोचा तो थी हमने बात ही की, लेकिन वही डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसा हम लोग जयपुर से आए, जयपुर पड़ता है आगे, तो वहाँ जैन समाज के द्वारा ये धन एकत्रित करके हम लोग राशन बांट रहे हैं गरीबों में, जैन समाज की तरफ से है ये सब। ठीक है, जयपुर ब्लॉक से आए, सरकार की तरफ से कुछ नहीं, सरकार की तरफ से ना है ये अपने किराए से दे रहे हैं, सरकार कुछ नहीं, हम लोग जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।